ग्वालियर डबरिया न्यायालय पेशी से जेल ले जा रहे जवानों को धक्का देकर एक वारंटी फरार हो गई है। घटना डबरा थाना क्षेत्र स्थित न्यायालय गेट के पास की है, जहां वारंटी के भागने के बाद पुलिस जवानों ने उसका पीछा किया। बता दें जवानों ने उसका पीछा किया और लेकिन वो गलियों में निकलकर वारंटी फरार हो गया। घटना का पता चलते ही जिले में अलर्ट कर उसकी तलाश में नाकाबंदी की गई है। आरोपी हाथ नहीं आया, तभी आरक्षक थाने पहुंचे और शिकायत की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल कॉम्बिंग गश्त के दौरान लंबे समय से फरार वारंटी अजय जाटव को पिछौर थाना पुलिस ने पकड़ा था। पकड़े गए वारंटी अजय जाटव को न्यायालय में पेश करने के लिए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल जाने की सजा मिली और पुलिस कर्मी उसे न्यायालय से लेकर जा रहे थे। तभी न्यायालय गेट के पास पहुंचे ही अजय जाटव ने पुलिस कर्मियों को धक्का देकर भगाने में कामयाब रहा। वारंटी के भागने का पता चलते ही पुलिस अफसर मौके पर फरार हुए और आरोपी की तलाश में जुट गए। एक ये थाना पिछोर के अंतर्गत कॉम्बिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साधारण मारपीट का प्रकरण था, उसका वारंट था, किंतु न्यायालय ले जाते वक्त वो भाग गया है। इस पे 224 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही एसडीओपी डबरा को निर्देशित किया गया है, इसमें किस कर्मचारी की क्या लापरवाही थी वो प्रतिवेदन देंगे, जिसके आधार पर कार्रवाई की।